तो फ्रेंड्स, आज हम सीज़न की मोस्ट वांटेड रेसिपी बनाएंगे, मेथी मटर मलाई, जिसमें मेथी भी है, मटर भी है, मलाई भी है। लेकिन जब आप इसे बनाएंगे तो इसका टेस्ट आपको सबसे अमेजिंग लगेगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें ले लिया है मैंने हरी मटर। इसको पानी ले लिया है मैंने पैन में आधा पैन, और उसके बाद इसमें मेथी भी ऐड कर दी है। इसको हम थोड़ा सा बॉईल कर देंगे आधा चम्मच नमक के साथ में। नमक हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि मेथी का और मटर का कलर चेंज ना हो, वैसा का वैसा ही रहे, क्योंकि हमें सब्ज़ी में इसका ग्रीन कलर चाहिए है। तो देखिए पानी ऊपर तक है, अब हम इसे साइड में कर देंगे और ये बॉईल होता रहेगा। इसे आप 2 से 3 मिनट तक ही बॉईल करिए। इसके बाद हम यहाँ पर दूसरा पैन लेंगे। पैन में हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल, यहाँ पर ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर कुछ मैंने प्याज और लहसुन, अदरक और काजू लिए हुए हैं। जब हम ऑयल ले लेंगे तो उसमें हम इन सबको डालकर अच्छी तरह से सॉटे कर लेंगे। इसके साथ हमने रफली चॉप टमाटर भी ऐड कर दिए हैं, इसको भी सॉटे करना है। और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने पर आपको इसे प्लेट में निकाल लेना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। इसके पहले हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और खड़े मसाले। तो यहाँ पर मैंने तेज़पत्ता और बड़ी इलायची ऐड की है। आप चाहें तो और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, और इनको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये सब भून जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे रायदाना। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच रायदाना लिया है, आधा चम्मच मैंने जीरा लिया है। इन सब को भी अच्छी तरह से इसके साथ में मिक्स कर लेना है, और फिर इसे गैस को लो करके बंद कर देंगे। और उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस बीच में देखिए मेथी और मटर अच्छी तरह से बॉयल हो रहे हैं और हमने प्लेट में इसको निकाल लिया है। ठंडा होने पर हम ग्राइंडर में लेंगे और इसका बारीक पेस्ट कर देंगे। जब तक ये सब होता है तब हम यहाँ पर एक रखेंगे पैन, और पैन में लेंगे हम यहाँ पर 3 चम्मच ऑयल। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगेगा, और उसके बाद हमने जो पेस्ट बना के रखा था टमाटर प्याज का, उसको इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हैं, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो सब्ज़ी में वो टेस्ट नहीं आएगा। और यहाँ पर देखिए जो मैंने जार में थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको भी इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम इन सबको तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल छोड़ना शुरू ना हो जाए। तो देखिए धीरे धीरे ये मसाला अच्छी तरह से भुनना शुरू हो गया है। हमारी ग्रेवी के लिए प्याज और टमाटर का पेस्ट भुन रहा है, और इसमें धीरे धीरे तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है। इन सभी को प्याज और टमाटर की ग्रेवी के साथ में अच्छी तरह से भून लेंगे। ये सब्जी इतनी झटपट बन जाती है कि यदि आपके यहाँ गेस्ट आए हों और आपके पास कोई भी सब्जी नहीं है तो ऑप्शन में आप इसे बना सकते हैं, और बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर देखिए हमने मेथी और मटर को पानी निकाल कर रख दिया था, इसको इसमें ऐड कर लिया है और अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लिया। अब इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी भी मैंने वो यूज़ किया है जिसे हमें बॉईल किया था। इस रेसिपी को बनने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है, और इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे तो ये थोड़ी सी गाढ़ी थिक अच्छी लगती है, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करिए और अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। और सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाएंगी तब हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। तो यदि आपके पास क्रीम नहीं है तो हम जो मलाई हमारे दूध में रहती है उसको निकाल लेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्सर में कर लेंगे। यार आप हाथ से ही फेंट लीजिए, वो हमारी क्रीम तैयार हो जाएगी। उसको हम सब्जी में ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। नमक को भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए ढाँक कर कवर कर देंगे और इसे पकने देंगे। बच्चे अगर मेथी नहीं खाते हैं तो यकीन मानिए कि इसमें उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आपने मेथी डाली है, और ये बहुत ही टेम्पटिंग और टेस्टी बनती है। इसे आप राइस के साथ खाइए, राइस के साथ तो ये परफेक्ट होती है, बाकी आप रोटी के साथ भी खा